अनिल शर्मा जी, ये जो पूरी की पूरी लड़ाई है, इस लड़ाई के मर्म में क्या है? क्या सचिन पायलट की ईगो है, उनका 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 एम्बिशन है, या अशोक गहलोत की जिद है? कहाँ पे पेच फंसा हुआ है? और जैसा कि अभी ओम चैनी जी कह रहे हैं कि भाई अशोक गहलोत को इस बात का अंदाजा है या गुमान है कि वो तो 156 से ज्यादा सीटें लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑब्जर्वर, उनका ये भी मानना है कि अगर सचिन पायलट पार्टी छोड़कर गए या पार्टी तोड़ी उन्होंने, या नाराज रहे या बगावती तेवर रहे, तो फिर राजस्थान का वही हाल होगा जो पंजाब में हुआ था। वहां कांग्रेस पार्टी जीत सकती थी और बुरी तरीके से हारी। और अगर बुरी तरीके से राजस्थान में कांग्रेस पार्टी हारी तो अशोक गहलोत का भी करियर खत्म हो जाएगा और सचिन पायलट का भी खत्म होगा। आशुतोष जी, पहले तो मैं आपको बोलूं, मैं हर बार ये चीज बोलता हूँ, ये मतभेद नहीं मनभेद है। मनभेद बड़े मुश्किल से दूर होते हैं, बहुत क्योंकि अगर करना होता, 4 साल 4.5 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, सचिन पायलट पर डिस्कशन करते आ रहे हैं, हम यही बोलते हैं सचिन पायलट असेट है। तो कांग्रेस हाईकमांड और गहलोत साहब को समझ में नहीं आता होगा क्या ये असेट है या नहीं है? हम सब ये बोलते हैं, किसी को भी लिया, ये सचिन पायलट असेट है, यूथ आइकॉन है, बहुत अच्छा काम करें, पर मनभेद इस लेवल पे पहुंच गए हैं, इन दोनों का एक साथ टेबल पे बैठना भी मुझे मुश्किल लगता है। जो फोटोग्राफ भी आपने देखा होगा, जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, वो फोटोग्राफ भी काफी कुछ बोल गए थे। मेरा मानना भी ओम सैनी जी जैसा है कि हाँ, सचिन पायलट की जरूरत है। पर इसमें मैं एक चीज, कल मैं शो में था आपके यहाँ पे, मैंने एक चीज बोली थी, कांग्रेस से ज्यादा डर बीजेपी को लग रहा है आज की तारीख में, कहीं सचिन पायलट अपनी नई पार्टी नहीं बना ले। उसका एक रीजन देते हैं, उनके बहुत सीनियर लीडर मेरे से मिले, इस पे डिस्कशन हुआ, उनका रीजनिंग अगर आप सुनेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा। उनका कहना यह है कि गुजर ट्रेडिशनली बीजेपी को वोट देते थे, एक्सेप्ट फॉर 2018 जब सचिन पायलट कांग्रेस में थे। वो ये कहते हैं अगर ये अलग पार्टी बना ली, ये बीजेपी को बिल्कुल, मतलब बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे इन एटलीस्ट 45 सीट्स। आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये अंतर अगर कांग्रेस को पड़ता है तो बीजेपी को भी पड़ता है। और ये चीज अगर आप देखें, मेरा तो बहुत सीधा सा लॉजिक है, कल भी मैं बोला, सचिन पायलट के लिए सीएम बनना, सिर्फ कांग्रेस ही सीएम बना सकती है उनको, उनको कांग्रेस में रहना चाहिए और शायद उनकी इच्छा भी है कि मैं सीएम बनूं। और ये जितनी भी चीज हो रही है, ये बात इसके लिए हो रही है पावर के लिए, और आप इसके लिए बात करेंगे, आपको ये 10 सीट 20 सीट मान के थोड़ी मान जाए। आप सीएम की बात करें, मैं सीएम बनना चाहता हूँ, सीधी लड़ाई इस पे सीएम पे, और सीएम की कुर्सी पे नो वैकेंसी है, तो आप क्या करेंगे? तो मेरा एक मिनट, मेरा मानना सर इसमें यह है कि बेसिकली इनको सॉल्यूशन करना चाहिए। इसमें कतई कोई शक नहीं है कि सचिन पायलट असेट हैं, जो सब बोल रहे हैं, मैं भी बोलता हूं इस बात को, मैं काफी टाइम से बोलता हूं। मेरा व्यू पॉइंट एक डिफरेंट है कि सचिन पायलट को कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सीएम की पोस्ट दे सकती है, इसलिए सचिन। अनिल जी, आज की तारीख में जिस तरीके से लोग मध्य प्रदेश के बारे में कहते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति बेहतर है बीजेपी से, और बीजेपी की हालत वहां कर्नाटक जैसी हो सकती है, छत्तीसगढ़ के बारे में भी लोग कहते हैं नहीं, वहाँ कांग्रेस की स्थिति बीजेपी से पर 20 पड़ती है, राजस्थान को लेके ये बात कोई नहीं कहता है। राजस्थान में जो टिप्पणियां हैं, जो ऑब्जर्वेशन है, वो ये है कि इसी तरीके से अगर कांग्रेस पार्टी लड़ती रही तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर 22-25 सीटों पर आ सकती है। क्या ये असेसमेंट ठीक लगता है, आपको लगता है कि? मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा डिफरेंट है लोगों से सर। हम 20-25 सीट की बात करते थे आज से 6 महीने पहले। अशोक गहलोत का एक चीज की तारीफ करूंगा, उन्होंने मेहनत कर रहे हैं, अब वो जगह जगह जा रहे हैं, और उन्होंने जो इन्फ्लेशन रिलीफ कैंप लगाया, कि मैं खुद 2000 किलोमीटर चल के आया हूँ, उसका अंतर पड़ा है। जीतेंगे नहीं जीतेंगे, परसेप्शन में इंप्रूवमेंट हुआ है, ये बात बिल्कुल पक्की है, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। आज अशोक गहलोत के लिए परसेप्शन पहले से काफी बेहतर है। कितनी सीट लाएंगे नहीं लाएंगे सर, ये आज बात करना बड़ा मुश्किल है, पर मैं मानता हूं परसेप्शन में चेंज है। इलेक्शन में क्या होगा, कॉम्बिनेशन परमोट डिवीजन कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बहुत मैटर करता है। आज आपने देखा हो, अभी आपने एक चीज नोटिस करी हो, आज वसुंधरा जी बीजेपी हेडक्वार्टर्स में है और वहां पे उनकी मीटिंग चल रही है। अगर वसुंधरा इस खेल में आ जाती हैं तो मैं आपको आज ही बता देता हूं कि, क्योंकि मैं घूम के आया हूं, लोगों का कहना ये था, खासतौर से ओम सैनी जी ने एक एरिया का नाम लिया, मेवाड़ की बात करूंगा, जहां से बोलते हैं कि राजनीति की एंट्री, मतलब एंट्री टू सीएम पोस्ट, वो ज्यादातर मेवाड़ देता है,
वो आरएसएस का गढ़ है, वहां पे था, वहां लोगों का एक व्यू था वो बड़ा टिपिकल था कि अगर वसुंधरा जी हैं वसुंधरा जी को वोट देंगे, पर अगर वसुंधरा नहीं है तो अशोक गहलोत ने क्या बुरा करा है, हम क्यों वोट नहीं दें। इसीलिए मैं कहता हूं ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है ना सर, या किसको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा। अनिल जी राजस्थान के अंदर पिछले 30 सालों में कोई सरकार दोबारा रिपीट नहीं हुई है, और अगर इसी तरीके से कांग्रेस अगर लड़ती रही तो रिपीट भी नहीं होगी इस बार। क्या अशोक गहलोत ने पिछले 6 महीनों में इतनी जमीन रिक्लेम कर ली है कि उनको उनको उनका विश्वास हो चुका है कि वही सरकार बनाएंगे? सर उनके विश्वास पे नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि पॉलिटिशियन तो अभी 200 बोल दें क्या भरोसा, हमारी 200 सीट आएंगी, 200 सीट नहीं आती है सर। पर बात इतनी सी है, मैंने सिर्फ आपको बोला परसेप्शन में अंतर पड़ा है, परसेप्शन इज गॉन इन फेवर ऑफ अशोक गहलोत आज की तारीख में। हाँ, मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी जो मैं बोलना चाहता हूं कि कांग्रेस लैक्स इन जो ग्राउंड के ऊपर वर्कर्स होते हैं, वो वर्कर्स अभी नहीं दिख रहे हैं। पर आप बीजेपी का क्या सोचते हैं, बीजेपी में 10 चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं आज, हर आदमी कहता है सीएम मैं हूं। फैक्शनलिज्म इन बीजेपी इज मोर देन कांग्रेस, और कांग्रेस को वही फायदा है। एंटी इनक्यूमेंसी की जो हम बात करते हैं वो मैं मानता हूं मिनिस्टर्स के अगेंस्ट है, एमएलए के अगेंस्ट है, उसके लिए मैंने सुना है जो भी लेटेस्ट उसमें ये 40% के टिकट काटेंगे, क्या उससे एंटी इनक्यूमेंसी खत्म होगी नहीं होगी टाइम बताएगा। आज बीजेपी कांग्रेस से बुरी हालत में राजस्थान में है, इसमें कतई कोई शक नहीं है, और वही चीज मोमेंटम दे रही है। और एक चीज आशुतोष जी और बोलूंगा आपको, 2 मिनट लूंगा, जितने भी चुनाव हुए चाहे वो हिमाचल हो चाहे वो कर्नाटका हो, वो बेसिस जो था, वो जो पॉलिसीज थी, वो देखिए अशोक गहलोत पहले लगा चुके स्टेट में सोशल वेलफेयर। आपको अनिल जी इस बात का भरोसा है कि अशोक गहलोत को लेकर परसेप्शन में बदलाव आया है? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।